हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हाजिर हूँ मैं एक अनदर वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 6 नंबर पार्ट की। इससे पहले हम बात किए थे 5 नंबर। 5 नंबर में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे और आज हम बात करेंगे 6 नंबर की। तो दोस्तों, जो 6 नंबर में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द H2S। H2S क्या है दोस्तों? H2S एक तरह का क्या बोलते हैं, जहरीला गैस है। जहरीला गैस है, बहुत पॉइजनस वाला गैस है, पॉइजन वाला, ठीक है, जहरीला गैस है, ठीक है, जो मिनटों में आदमी की या इंसानों की या वर्कर की जान ले सकती है। कैसे ले सकती है दोस्तों? तो ये H2S गैस जो होता है वो नॉर्मल गैस से थोड़ा सा वेटेड होता है, और ये ज़्यादातर डीप में, मतलब कि ज़मीन के सतह पे होती है। और ये कैसे होती है? तो दोस्तों, जो हमारा ऑर्गेनिक फूड्स वगैरह होता है, जो मतलब कचरा होता है, उसमें सड़ने के बाद जो है वो बैक्टीरिया बन के जो है वो बनाता है। और कई बार जो क्रूड ऑयल होता है उसमें ये गैस जो है बनता है, या फिर जो सीवेज वगैरह होता है वहाँ बनता है H2S गैस, या फिर जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसका जो वेस्टेज होता है वो उसमें भी बन सकती है, बन सकता है। तो दोस्तों, एक्चुअल में जो हमारा गैस है, जो H2S, वो किस पे मतलब मॉनिटर किया जाता है? तो दोस्तों, उसके लिए एक H2S मॉनिटरिंग मशीन आती है, जो छोटी सी एक मोबाइल डिवाइस होता है, मोबाइल तरह का, ठीक है, छोटा डिवाइस होता है, जो हम उसको हम यूज करते हैं, अपने पास में रखते हैं, कहीं भी डीप वगैरह में या कन्फाइंड स्पेस वगैरह में काम करने जाते हैं तो पास में रख के जाते हैं। दोस्तों, जो H2S चेक करने का, H2S है कि नहीं ये बताने का, ये परमिट होल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो पहले चेक करे कि उसके अंदर H2S है या नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो है परमिट होल्डर किसी भी डीप या कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाने से पहले H2S चेक करने वाले, या तो उनको खुद ट्रेनिंग दिया जाता है H2S का, या ट्रेनिंग नहीं है तो जो ट्रेनिंग ले चुका है H2S का, वो बंदा आएगा और वो टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद वो वेरीफाई करके साइन करके देगा पेपर पे, तब जो है आप एंट्री करेंगे काम करने के लिए। तो दोस्तों, आपको हम H2S कैसे होता है मैं बता दिया, कहाँ होता है, क्या है इस प्रोसेस, ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी परमिट होल्डर का होता है, मैं बताया आपको। तो दोस्तों, इसका हम थोड़ा इंग्लिश में, इसका हम व्हाट इज H2S का मीनिंग देख लें, क्या है इसका परिभाषा। तो H2S आर नॉर्मली अकरिंग केमिकल प्रोडक्शंस बाय बैक्टीरिया एज इट डीकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल्स इट्स मे डेवलप इन लो ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द H2S। ओके ओके दोस्तों, तो हमने अब बता दिया ये। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ गैस? तो दोस्तों, व्हाट इज अ गैस? गैस तो एक पता है गैस क्या है, फिर भी हम बता देते हैं। गैस जो है, गैस इज द वन ऑफ द फोर फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉलिड लिक्विड एंड प्लाज्मा। सॉलिड लिक्विड तो है, ये है दास में, इसमें गैसेस तो है ही, प्लाज्मा भी है, एक एक गैस जो एयर जो टाइप होता है वो भी तो गैस ही है, तो एक वो हो गया, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द प्लाज्मा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है व्हाट इज द प्लाज्मा। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्लाज्मा? द स्पार्क इन अ गैस विल क्रिएटेड प्लाज्मा, मतलब गैस ही से ही मतलब प्लाज्मा बनता है, मतलब क्रिएटेड है, प्लाज्मा का ही एक रूप है, ठीक है, स्पार्क में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 जो है दोस्तों, व्हाट इज द EPZ? EPZ का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इमरजेंसी प्लानिंग जोन, उसको हम EPZ बोलते हैं। दोस्तों, हर इंडस्ट्री में, हर प्लांट में जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कंस्ट्रक्शन होके प्लांट रेडी हो जाता है, वहाँ एक मतलब हर एरिया में जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तब तो हर एरिया में एक असेंबली पॉइंट, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी प्लांट, वो उसको असेंबली पॉइंट्स को ही हम कह सकते हैं कि वो APZ है। बट जब प्लांट हमारा रेडी हो जाता है तो एक स्पेशल इकोनॉमिक मतलब कि इमरजेंसी प्लानिंग जोन, अगर मान लो किसी भी प्लांट में दुर्घटना होता है तो आपको सभी जो मैन पावर होता है उसको यहाँ इमरजेंसी प्लानिंग जोन में जाना होता है। तो दोस्तों, हम इसका हम थोड़ा इंग्लिश में हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द इमरजेंसी प्लानिंग जोन इज एन एरिया वेयर गिवेन ए वर्स्ट केस रिलीज दियर मे बी लेवल ऑफ H2S प्रजेंट इन द एयर ऑफ 100 PPM और ग्रेटर द EPZ इज इन प्लेस, द EPZ इन प्लेस द इन्फॉर्म
पर्सन ऑफ द पोटेंशियल हजार्डस टू रिकॉग्नाइज रिस्पॉन्सिबल टू एंड मिनिमाइज द कंसिक्वेंस ऑफ एन H2S इवेंट्स एंड टू अलाउ कंपनी टू मैनेज द रिस्क टू एट लॉ एज रिस्पॉन्सिबल एंड परमिसिबल। मतलब समझे दोस्तों, कंपनी जो है एक APZ जोन बनाता है जहाँ पे अगर इन केस कोई इंसिडेंट होता है या स्ट्रेस रिलीज होता है या फायर होता है तो आपको जो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्पेशल इमरजेंसी प्लानिंग जोन में जाना होता है, ठीक है। तो वो एक कंपनी का एक प्रोसीजर है, आप चेक कर सकते हैं कि एरिया वैन गिवन आर वर्स्ट केस रिलीज देयर मैनी मे बी लेवल ऑफ H2S प्रजेंट इन द एरिया एयर ऑफ 100 ppm एंड ग्रेटर द APZ इन द प्लेस इज द इन्फॉर्म पर्सन ऑफ द पोटेंशियल हजार्डस टू ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सिबल टू एंड मिनिमाइज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द H2S कॉन्सिक्वेंस इवेंट्स एंड टू अलाउ कंपनी टू मैनेज द रिस्क एट लॉ एज रिस्पॉन्सिबल। तो दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, व्हाट इज द अलार्म, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलार्म। अलार्म का मतलब होता है एज एट लो एज रिस्पॉन्सिबल परमिसेबल या रीजनेबल परमिसेबल, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आएगा, इट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों What is hazard? Hazard क्या है दोस्तों, जो क्वेश्चन है hazard क्या है। Hazard दोस्तों मतलब खतरा, hazard means खतरा, खतरा, ठीक है, खतरा मतलब खतरा। खतरा क्या है, खतरा आप तो जानते हैं, हर वो चीज खतरा है जिससे हमको हार्म पहुंचे वो खतरा है, hazard है, ठीक है, फायर hazard है, ठीक है। हाइट, जो हाइट पे हम काम करते हैं हजार्ड है। डीप क्या बोलते हैं, जो हमारा डीप होता है मतलब खद्दा होता है वो भी एक तरह से हजार्डी, ठीक है, या फिर कोई भी काम ऐसा जो मतलब जिससे हमको क्षति हो सकती है वो हजार्ड है। तो हजार्ड इज द समथिंग विद द पोटेंशियल काउज टू हार्म पीपुल इन्वायरमेंट डैमेज द एंड इक्विपमेंट्स। मतलब क्या हजार्ड, एक ऐसे पोटेंशियल, हजार्ड में एक पोटेंशियल होता है जिसके वजह से जो है पीपल को एनवायरनमेंट को डैमेज करता है या फिर लॉस क्या बोलते हैं कंपनी का जो एसेट्स है उसको वो हानि पहुंचाता है, वो हजार्ड है। ओके दोस्तों, जो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास करके PTW वालों के लिए। PTW में जो है ना पहला क्वेश्चन होता है वही अब परमिट से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, ठीक है, आपसे पूछेगा कि परमिट क्या होता है, कितने तरह का परमिट होता है, ठीक है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ परमिट अथॉरिटी, एरिया अथॉरिटी क्या है, परमिट कोऑर्डिनेटर क्या है, आपके बाद उसके बाद आपको रोल ऑफ परमिट होल्डर का पूछ लेगा, परमिट होल्डर क्या है। उसके बाद पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज द हजार्ड, व्हाट इज द रिस्क, व्हाट इज द फायर लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर भी हम बताएंगे दोस्तों, अभी तो हम नहीं बता रहे हैं, बाद में हम बताएंगे, बट अगर आप बोलोगे तो उसका एक अलग से लाइन ऑफ फायर का पूरा आधा घंटा का वीडियो बन सकता है अगर ठीक से बनाया जाए तो। क्योंकि लाइन ऑफ फायर मतलब होता है कि अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, बाद में बात कर लेंगे, अभी हम रिस्क पर बात करते हैं, फिर हम लाइन ऑफ फायर पर भी हम बात कर ही लेंगे, ठीक है। रिस्क, द रिस्क इज द इफेक्ट ऑफ द हजार्ड और रिस्क इज लाइकलीहुड द पोटेंशियल काउज द हार्म, दैट इज कॉल्ड रिस्क। रिस्क क्या है, अगर कोई चीज ऐसा है हजार्ड होने का खतरा है उसको हम रिस्क लाइकलीहुड दैट द पोटेंशियल्स, मतलब पोटेंशियल के है, मतलब काउज है, मतलब वो रिस्क है ना, तो वो हम रिस्क नहीं कर रहे हैं। अब हाइट वर्क पे हम काम कर रहे हैं, हाइट एट हाइट वर्क जो है वो तो है हजार्ड है कि आप बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें भी बिना सेफ्टी बेल्ट का काम कर रहे हो रिस्क हो गया, तो आपको रिस्क नहीं कर। मान लो एक लिफ्टिंग लोडिंग एंड लिफ्टिंग चल रहा है, ठीक है, लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग चल रहा है या लोडिंग एंड लोडिंग चल रहा है क्रेन के थ्रू, तो वो जो उसका बूम लेंथ है वो एक हजार्ड हो गया, कब टूट जाएगा, क्योंकि वो इक्विपमेंट है, मैकेनिकल इक्विपमेंट है, कब टूट जाएगा कब फेल हो जाएगा हमको पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम जाके खड़े रहना वो रिस्क है। और दोस्तों उसी में आता है जो लाइन ऑफ फायर जो होता है, सेम चीज होता है उसमें, अगर हम कह सकते हैं क्वेश्चन हम नहीं डाल रहे क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन डाल रहे हैं लाइन ऑफ फायर।
लाइन ऑफ फायर टू क्रॉस द, या फिर क्रॉस द जो क्या बोलते हैं हजार्डस एरिया, या फिर क्या बोलते आपको करते हैं, तो वो लाइन ऑफ फायर कहलाता है। सपोज दैट इसका जो आंसर लाइन ऑफ फायर क्या है, तो लाइन ऑफ फायर जो है कि व्हेन वी क्रॉस द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ पार्टिकुलर जॉब दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ फायर। अब एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको ज्यादा समझ में आता है। एग्जाम्पल में सपोज दैट ग्राइंडिंग वर्क हो रहा है, ठीक है, ग्राइंडिंग वर्क हो रहा है या वेल्डिंग वर्क हो रहा है या फिर लिफ्टिंग शिफ्टिंग हो रहा है, दोस्तों इसमें 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 देखो ग्राइंडिंग वर्क हो रहा है। अब वहां पे हम जाके खड़े हो रहे हैं, ठीक है, खड़े होने के बाद भी हमने ना गॉगल्स पहना, ठीक है, ना गॉगल्स पहना, गॉगल्स जो होता है चश्मा, तो ये लाइन ऑफ फायर हो गया कि हम एक लाइन ऑफ फायर कर रहे हैं, ठीक है। वेल्डिंग वर्क हो रहा है, वेल्डिंग के सामने में ना हम मास्क लगाया, ना ही हम गॉगल्स पहने, वो भी ब्लैक गॉगल्स, और उसके बाद ना ही हम क्या बोलते हैं हैंड ग्लव्स लगाया, तो वो भी लाइन ऑफ फायर हो गया। लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग हो रहा है, लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग के लिए एक पार्टिकुलर एक एरिया होता है, उस एरिया को बैरिकेशन किया जाता है, और बैरिकेशन रेडियस जो होता है, बैरिकेशन एरिया के अंदर जाना जो है, बैरिकेशन एरिया के अंदर अगर हम एंटर करते हैं के अंदर एंटर करते हैं तो वो लाइन ऑफ फायर कहलाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो है चलता है, हमारा जो इंडस्ट्री में काम होता है, तो इस तरह से कुछ जो जनरली हम लोग ध्यान में रखते हैं इस चीज़ को। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। ओके दोस्तों, प्लीज़ अगर मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उनको हेल्प मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।